कंचन, कीर्ति, सौरभ, अभिषेक, मनीष, पंकज, अवध। वॉइस क्लियर है ना? ठीक है। इमरान, काजल, हेमा, मीनू, शिव प्रकाश, शिवरतन, शिवराम, पूजा, अनिता, साक्षी, रंजना, कांचा, हिमांशु। गौरव, अनुज कुमार, साक्षी पांडे, गौरव, ठीक है। भैया सुप्रभात, सभी को सुप्रभात। याद होता जा रहा है सभी को कि बस पढ़ते ही जा रहे हो? कुछ नोट्स वगैरह बन रहे हैं या प्रॉपर वे में सब चल रहा है? कुछ घर पे भी मेहनत करनी है ना, लिखोगे नहीं तो याद नहीं होगा। सुनना तो ठीक ही है लेकिन लिखना भी जरूरी है, क्योंकि लिखते समय कुछ शब्द जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो नोट्स बन रहे हैं प्रॉपर सभी के? कुछ होमवर्क दिया था? कुछ होमवर्क दिया था? होमवर्क में आपको दर्शन के जो छह दर्शन बोले गए हैं उसके बारे में बोला था कि सिक्स दर्शन जो होते हैं उसको याद करना था। याद कर लिया सभी ने छह दर्शन? यस यस सर, लास्ट लेक्चर लोड कर दीजिएगा। हाँ, बंदूक तो भेज दिए थे, गोलियां लोड नहीं हुई थी इसलिए पहुंच नहीं पाया है, है ना। जल्दी गोलियां लोड कर देंगे तो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। हो सकता है नेट की कोई प्रॉब्लम रही हो इसलिए वीडियो अपलोड ना हुआ हो, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि पीछे का भूलते जा रहे हो? सर टाइम ही नहीं मिलता, सर बहुत बिजी हम लोग हैं, सर पूरा दिन चला जाता है। सर तीसरा चैप्टर है ये, अब ये भी खत्म ही होने वाला है। तो इसको पढ़ते चलिए, बेसिक है। जल्दी अब आपका कुछ अलग टाइम भी देखेंगे जिसमें हम मॉडर्न वो मेडिवल शुरू कर सकते हैं, जिससे हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो प्राचीन तो चलता ही रहेगा, हफ्ते में एक या दो दिन मेडिवल भी शुरू कर देंगे जो मुगल आक्रमण है, क्योंकि चैप्टर इतने ज़्यादा हैं कि अब प्राचीन ही पढ़ते रहेंगे तो करीब 14-15 चैप्टर प्राचीन में ही है ना, और फिर मेडिवल भी है मॉडर्न भी है। तो हफ्ते में एक या दो दिन, अभी नहीं बता देंगे आपको, तो उसमें आपको हम मेडिवल भी साथ में देंगे, ठीक है। प्रिपेयर रहना, प्राचीन चलता ही रहेगा, मेडिवल अलग से आपका हफ्ते में एक दो दिन रहेगा, जैसे सारी चीज़ें एक साथ होती है, ठीक है। तो सभी लोग ऐड हो चुके होंगे, जितने ऐड होने सब ऐड हो गए।
देखो रिवीजन करना जरूरी है, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूलोगे, ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूलना ही भूलना है। और एक बार रिवीजन नहीं, आपको इसको कुछ नहीं तो 4 से 5 बार रिवीजन करना पड़ेगा। भाई ये सब्जेक्ट आप पढ़े नहीं हो ना, अब अगर आप अपने कॉलेज टाइम में इसको पढ़े होते तो तुरंत याद हो जाता, पढ़े ही नहीं हो, शुरुआत करनी है तो इसके रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हर किसी को रिवीजन करना पड़ता है, इवन हम लोग को भी रिवीजन करना पड़ता है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था वैदिक काल के, उसमें वीडियो क्लियर है ना, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था वैदिक काल के बारे में, काफी चीजें बता दी थी आपको। एक युद्ध हुआ था जिसको दशराग्य का युद्ध बोला गया था, है ना, अगर याद हो तो। दशराग युद्ध में भरतों के राजा जो सुदास थे उनके बीच और 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। विजय किसकी हुई थी? तो सुदास की विजय हुई थी, ठीक है। किस नदी किनारे लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी किनारे लड़ा गया। परुष्णी का आधुनिक नाम क्या है? इस समय रावी है। और सुदास के जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ जी थे, ठीक है ना। वशिष्ठ जी बहुत बड़े महर्षि बोले गए हैं। तो ये एक मेन था इसमें। इसी में एक बात हुई थी इंद्र की, जिनको पुरंदर बोला गया था, जिनको युद्ध का देवता भी कहा जाता है। इसके अलावा हमने एक नाम आपको बताया था, अघन्या नाम, जो इम्पोर्टेंट था, अघन्या। कि अघन्या उस समय किसको कहा जाता था? तो अघन्या बोलते थे गाय को, और गाय का जो रक्षक होता था उसको गोपा कहते थे। मतलब जो राजन वगैरह होते थे या राजा होते थे वो गोपा भी होते थे, वो उसके रक्षक भी कहलाते थे। तो अघन्या सब ज्यादा इम्पोर्टेंट था आपका वहां से, ठीक है। देखो प्राचीन चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। असल में क्या है ना, अभी तक तो ठीक है, लेकिन जब आप 6वीं शताब्दी के आसपास पहुंचोगे सन में, मतलब अभी तो ईसा पूर्व चल रहा है, ईस्वी में जब पहुंचोगे, जब 1वीं शताब्दी, 2वीं शताब्दी, 3वीं शताब्दी, जब इस तरह से आगे बढ़ोगे ना प्राचीन में, तो फिर वहां पे बहुत सारे वंश आएंगे, जैसे राष्ट्रकूट है, चोल वंश है, चालुक्य है, पल्लव है। लेकिन इसी समय क्या होगा कि मुगल काल का आक्रमण भी हो जाएगा, जो मुगल है तो उनका भी आक्रमण हो जाएगा, अरब का आक्रमण और तुर्कों का आक्रमण, तो ये भी चलेगा। तो असल में क्या होगा कि प्राचीन तो पढ़ते ही रहोगे, क्योंकि आप जानते हो कि 712 ईस्वी में ही मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक कर दिया था, तो वहां से मुगल काल का भी शुरू हो जाता है। तो उस समय दोनों चीजें इसलिए देखना जरूरी होगा जिससे क्लियर हो, क्योंकि क्लियर हो कि जब 712 में अटैक होगा तो उस समय प्राचीन भारत का भी इतिहास चल रहा होगा। मतलब असल में उस समय क्या होगा कि एक्चुअल में 8वीं शताब्दी तक माना जाता है प्राचीन इतिहास, लेकिन जब मुगल का आक्रमण होगा तो उस समय कुछ हिंदू राजा भी तो होंगे। अब ऐसा थोड़े ना है कि केवल मुस्लिमों का ही आक्रमण हुआ था, उस समय बहुत सारे राजवंश रहे होंगे। फिर जब वो आएंगे मुगल, तब जाके वो धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि वो अटैक करेंगे और इनकी फूट की वजह से वो सब नष्ट हो जाएंगे और मुगल का आधिपत्य हो जाएगा। तो उस समय हमें दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी, कि मुगल का भी देखना पड़ेगा और साथ में हम लोग ये जो हिंदू राजवंश है इनको भी देखना होगा, कि चालुक्य वगैरह जो थे और ये सब भी हैं, राष्ट्रकूट, पल्लव, है ना, सेन वंश, तो ये जितना है वो साथ में चलेगा। इसीलिए बोला था हमने कि जब ये चलता रहेगा तो सन के बाद जब आएंगे हम लोग ईस्वी में, ईसा पूर्व तो अभी यही चलेगा, ईस्वी के बाद जब आएंगे तब हम लोग उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो हफ्ते में 1-2 दिन क्लास मुगल वाला ले लेंगे, जिसमें आपको चीजें साथ में रहने, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, है ना। तो बस इतनी सी बात है, तो जितना पढ़ते जा रहे हैं उतना आप पढ़ते रहिए। तो इतनी बातें हम लोगों ने की पिछली वाली क्लास में, अघन्या वगैरह जो इम्पोर्टेंट था वो सब आपने समझ लिया होगा। होमवर्क हमने आपको दिया था दर्शन का होमवर्क दिया था, अगर आपको बताया तो 6 दर्शन बोले थे। देखो क्वेश्चन बनता है, अगर कोई एग्जाम आप इंटरव्यू देने जाओगे, चलो मान लो रिटेन में अगर नहीं आता, वैसे तो ऋषि मुनि का नाम आ जाता है, लेकिन इंटरव्यू में 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर किसी एग्जाम में इंटरव्यू होता है तो, अगर आपके लिए। तो इंटरव्यू में ये लोग दर्शन पे बहुत जोर देते हैं, जो 6 दर्शन है ये, और जो
अब आ रही है वॉइस? अभी तक आ रही थी वॉइस कि नहीं, ऐसे ही सुन रहे थे सर? और जो अभी तक बोले वो सब वॉइस में आ रहा था? अभी जो डिस्कशन किए वो सब वॉइस में आया, जो दर्शन वर्शन बताए? अरे तो बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग यार, जब आवाज ही नहीं आ रही तो तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो। हम बोले जा रहे थे, तुम लोग क्या करते हो यार, नेटवर्क यहाँ प्रॉपर था? एटलीस्ट बता तो दो कि सर वॉइस नहीं आ रही है। उसके पहले आ रहा था जब हम लोग बोला कि जब मुगल काल वगैरह का साथ में होगा, वो सब आ रही थी वॉइस? हेलो, ये कह रहा अच्छा लग रहा था सर तभी नहीं बोला। अरे बेवकूफ, जब सुनाइए नहीं देगा तो अच्छा कैसे लगेगा? एक से एक ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं। चलो ठीक है, हम रिपीट कर देते हैं। एक्चुअल में क्या था कि हमने आपसे कहा कि प्राचीन जब चल रहा होगा तो साथ में जब ईसवी का सन आएगा, ठीक है, तो उसमें फिर हम लोग मुगल काल वगैरह भी देखेंगे और जो साथ में रहे, क्योंकि जब 712 में आक्रमण होगा मोहम्मद बिन कासिम का, अल हज्जाज जो वहाँ का खलीफा है इराक का, तो उसमें तो फिर वहाँ पर हिंदू राजवंश भी चलेंगे, तो वो दोनों चीज़ें देखेंगे हम लोग एक साथ। तो हफ्ते में एक दो दिन क्लास हम मुगल की भी लेंगे साथ में, जिससे आपको कनेक्ट करने में आसानी हो, मतलब प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो ये मेन था। फिर हमने आपसे कहा कि दर्शन के बारे में, जो हमने होमवर्क किया था उसके बारे में हमने आपसे कहा कि दर्शन जो है, 6 दर्शन जो हैं ये इम्पोर्टेंट है, कि दर्शन में जो ऋषि मुनि हैं वो कौन से हैं, जिन्होंने कौन सा दर्शन दिया हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके नाम आपको याद रखना है। होमवर्क हमने दिया था, याद हो गया होगा, ठीक है? तो पहला इसमें आपने देखा होगा सांख्य दर्शन है, अगर नोट किया होगा तो आप लोग देख लेना, सांख्य दर्शन है। फिर दूसरा कौन सा इसमें, न्याय दर्शन है। और कौन सा इसमें, योग दर्शन है, ठीक है ना, वैशेषिक है। फिर उसके बाद इसमें उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, यही 6 दर्शन है। क्लियर है सबको, या शेयर करें फिर से? रुको एक बार शेयर कर देते हैं, ठीक है? तो इसमें देखो ये दर्शन है, तो ये हमने आपसे बोला था कि 6 दर्शन है आपके, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और इसके प्रतिपादक लिखे हुए हैं कपिल मुनि, पतंजलि, गौतम ऋषि, कड़ाद, जैमिनी और वादरायण। पहला पॉइंट तो आपको केवल इसको याद कर लेना है। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन से ऋषि है, तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम ऋषि है, है ना। वैशेषिक के कौन है, कड़ाद मुनि है, है ना। योग के कौन है, शुरू हो गए, योग के कौन है आपके, तो महर्षि पतंजलि हैं। इस तरह से आपके 6 हैं। तो आई होप ये याद हो गया होगा सबको, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है? जिन्होंने इसको नहीं लिया उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और इसको एटलीस्ट कॉपी में नोट कर लिया करो, केवल स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, इसको कॉपी में लिख लिया करो, ठीक है? अब देखो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दे, ये क्या है, जिससे समझ में आए। आपके लिए तो इम्पोर्टेंट लिखना है बस, ठीक है, कि उसको याद करना कि कौन से प्रतिपादक किसके हैं। थोड़ा समझ लो कि ये दर्शन क्या है। एक्चुअल में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, पुरुषों के या मनुष्यों के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, जिसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अगर सुने होगे तो पता होगा। धर्म लिख लो, 4 पुरुषार्थ कॉपी में नोट करो इसको, 4 पुरुषार्थ हैं, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है, 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिन्होंने ये दर्शन वाला नहीं लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी ले लो, तुरंत ले लिया करो स्क्रीनशॉट भाई।
तो हमने चार पुरुषार्थ बताए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सभी के लिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी मनुष्य अगर वो है तो उसको ये चार चीजें अपने जीवन में देखनी होती हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या चीज था कि मतलब अगर हम इस जीवन में हैं तो हम लोग को ये चार चीजों को प्राप्त करना होता है। जैसे धर्म जो होता है, तो आजकल धर्म की परिभाषा बदल गई है, एक्चुअल में लोग इस धर्म को अलग तरीके से लेते हैं, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म सिख धर्म, और ये सब लोग अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगे कि हमारा हिंदू धर्म ज्यादा श्रेष्ठ है मुस्लिम ज्यादा श्रेष्ठ है। असल में धर्म का मतलब ये नहीं था जब ये स्टार्टिंग में था, ये चीज जब वेदों वगैरह में था, तो धर्म का एक्चुअल में मतलब था सामाजिक जीवन से, कि हमें सामाजिक जीवन जीना कैसे है, नियम क्या है जिसको हमें पालन करना है। ठीक है, तो धर्म का एक्चुअल मतलब ये था। तो जैसे हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म में बहुत सारी चीजें थी जिनका पालन करना होता था, सबके लिए एक व्यवस्था बनी हुई थी कि जो ब्राह्मण है वो किस तरह से जिएंगे जीवन, क्षत्रिय कैसे जीवन जिएंगे, क्या उनको करना है, वैश्य क्या करेंगे, तो एक मतलब चीजें बनी हुई थी। तो एक सामाजिक जीवन कैसे जीना है ये धर्म हुआ करता था। ठीक है ना, मेनली तो इस पे बहुत ज्यादा जोर था, तो लोग इससे उन्नति करते थे क्योंकि उस चीज को पालन करते थे। आज के डेट में ये सब अलग हो गया है, मेरा श्रेष्ठ है तुम मेरे में आ जाओ, आपका बेकार है आपके में ये सब है तो आप वो छोड़ दो, तो चीजें बदल गई हैं थोड़ी सी, उसकी परिभाषा बदल गई है। तो ये उस समय धर्म हुआ करता था कि हमें अपने नियम पालने थे जो सामाजिक जीवन के हैं। दूसरा जो अर्थ है, अर्थ का मतलब होता है धन वगैरह, भाई जीना है अगर तो हमें धन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आर्थिक व्यवस्था से या धन से रिलेटेड था वो अर्थ, कि किस प्रकार से आप अर्थ कमाएंगे जो अनुचित ना हो, मतलब किसी को मार के चोरी लूट इन सब चीजों से अर्थ नहीं कमाना है, अपने पुरुषार्थ से कमाना है। आप अगर उसके योग्य हैं तो आप उसको कमाइए धन को। ठीक है, किसी से भीख नहीं मांगनी है, ये कुछ चीजें थी जो उस समय डिस्क्राइब थी। तो यही पुरुषार्थ है उसका, और ये हमें आज भी चाहिए, हमें अपने धर्म को पालना चाहिए। अब धर्म का मतलब एकदम ये नहीं कि कट्टरवादी हो जाओ, धर्म का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी। देखो हम सीधा समझा रहे हैं, धर्म का मतलब था सामाजिक जीवन जीना है। ठीक है, जो जिसको भी धर्म को मानता हो वो उसी में रहे और अपना उसको पालन करे, बस सिंपल सा मतलब ये था। दूसरा जो अर्थ था, अब कुछ चीजें अगर आप सामाजिक जीवन में चलोगे तो आपको धन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना धन के कुछ नहीं होगा, तो आपको धन भी चाहिए होगा, लेकिन धन बहुत इकट्ठा नहीं करना था कि उसको संचित करके रख। ठीक है ना, और दूसरे जो आसपास हैं वो आपसे गिरी हुई हालत में आप उनको देख करके आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसी चीजें नहीं थी, उनको भी ध्यान रखना था, ये अर्थ था। काम जो था, काम के लिए एक शास्त्र लिखा गया था कामसूत्र करके, जो वात्स्यायन ऋषि का बहुत फेमस है। तो ये उस समय इस पे भी जोर था पुरुषार्थ, कि शरीर की जरूरतें भी हैं। ठीक है ना, तो इस पर भी उन लोगों ने जोर दिया कि धर्म तो है ही, अर्थ भी धन भी चाहिए, लेकिन व्यक्ति की शरीर की कुछ जरूरतें भी हैं उसको भी पूरा करना चाहिए। लेकिन अब उसके लिए ये नहीं कि वो वासना के वशीभूत हो जाए, अब उसके अलावा उसे कुछ दिखे ना, तो ये चीज नहीं थी, एक शरीर की जरूरत के हिसाब से था कि वो काम उसको डिफाइन किया गया काम सूत्र में। अच्छा, उस समय क्या होता था कि जो संतान की उत्पत्ति करना होता था ये मतलब बहुत पवित्र टाइप का होता था, मतलब काम का मतलब यहाँ पर केवल संतान उत्पत्ति से था, मतलब वो लोग इसलिए काम को ज्यादा मतलब प्रमाण करते थे या करते थे कि हमें एक उच्च संतान चाहिए जो श्रेष्ठ हो बुद्धिमान हो बलिष्ठ हो, तो इस चीज पे ध्यान दिया जाता था, इसलिए वो संस्कार वगैरह भी करते थे। आज की डेट में काम की परिभाषा भी बदल गई है। ठीक है, तो जो पहले चीजें बहुत सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से चल रही थी उसको मॉडिफाई कर दिया गया है अपने अकॉर्डिंग, लोगों ने उसको चेंज कर दिया है, और उसका हवाला ये लोग देते हैं कि भैया काम सूत्र में ऐसा डिस्क्रिप्शन है। बट काम सूत्र जब आप पढ़ोगे या समझोगे तो उसमें चीजें थोड़ी सी इस तरह से थी कि मतलब जरूरत के हिसाब से था, वो एक पुरुषार्थ का पार्ट था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका लास्ट मोक्ष। तो ये जो चौथा है मोक्ष, तो मोक्ष के डिस्क्रिप्शन वैदिक काल में ज्यादा देखने को नहीं मिलती। ये चौथा दर्शन, जो दर्शन नहीं कहेंगे इसे, पुरुषार्थ कहेंगे, तो मोक्ष का ज्यादा हमको वैदिक काल में देखने को नहीं मिलता। मतलब वैदिक काल में सबसे ज्यादा जोर तीन चीजों पे था, धर्म पर, अर्थ पर और काम पर। तो मोक्ष से इनको ज्यादा मतलब था नहीं। मोक्ष का एक्चुअल मतलब समझ लो, मोक्ष क्या होता है। मोक्ष का मतलब बताया गया है कि आप जन्म और मरण के बंधन से जब मुक्त हो जाते हैं तो उसी को मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति का मतलब था कि हम जन्म और मरण से मुक्त हो जाएं, ना हमें दोबारा जन्म लेना पड़े। ठीक है, तो ये एक्चुअल मतलब था मोक्ष का। वैसे पुनर्जन्म का सिद्धांत था वेदों में, लेकिन मोक्ष से संबंधित उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। तो तीन चीजों पर ज्यादा जोर था जो चार पुरुषार्थ में से था। तो अब बाद के जो लोग आए दूसरी शताब्दी के ईसा पूर्व के आसपास और इस समय,
जब वैदिक पीरियड खत्म हो रहा था, तो इस समय जो दार्शनिक लोग हुए, इन लोगों ने मोक्ष पे ज्यादा जोर दिया। क्यों? क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन पहले नहीं था। तो आप देखेंगे कि जो महात्मा बुद्ध हैं, जब इसके बाद हमारा अगला चैप्टर चलेगा महात्मा बुद्ध, तो इन्होंने भी इस पे जोर दिया है मोक्ष पर, ठीक है, कि आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है और आपका मेन है कि ज्ञान प्राप्त करिए जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो अब इस पर ज्यादा जोर होने लगेगा मोक्ष पर। तो इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही 6 दर्शन दिए गए। एक्चुअल में जो ये 6 दर्शन आप देख रहे हो, ये 6 दर्शन मोक्ष के लिए हैं। इनकी अगर इनमें से कोई भी आप एक कर लेते हो, किसी भी एक को अगर आप पालन कर लेते हो, तो आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये 6 दर्शन प्रतिपादित हुए मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ये है मेन इसका हिस्ट्री जो आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपके 4 पुरुषार्थ बताए गए, जो वेदों में ही चल रहा था, वैदिक काल में ही, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन मोक्ष के ऊपर ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत हुआ। तो उसका मेन डिस्क्रिप्शन चल के हुआ आगे चलकर, जब आपका ये वैदिक पीरियड खत्म होगा। और उसके लिए फिर 6 दर्शन दिए गए, जिसमें से एक दर्शन आपका है सांख्य दर्शन, फिर आपका न्याय दर्शन है, योग दर्शन है ना, फिर आप आगे चलोगे तो वैशेषिक है, मीमांसा है। तो कोई व्यक्ति अगर इन दर्शन में से किसी की भी एक की भी अगर वो अनुपालन कर लेता है, किसी भी एक का, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये ऋषि महामुनियों का कहना था। तो अब इसमें से आपको केवल क्या करना है कि इनको याद करना है। जैसे हम कहें कि सांख्य दर्शन है, तो सांख्य दर्शन किस ऋषि ने दिया था, किसने बताया इसके प्राप्ति का, तो सांख्य दर्शन के ऋषि आप जानते होंगे कौन है, कपिल मुनि है। दूसरे हैं न्याय दर्शन, तो न्याय के कौन है, गौतम ऋषि हैं। तीसरे कौन है आपके, योग के कौन है, पतंजलि, जो आज तो बहुत ज्यादा देखा जाता है योग, है ना। तो ये चीजें आपकी चल रही थी। क्या हमारी बात क्लियर हुई, पुरुषार्थ और जो दर्शन है? अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, यस या नो? क्या ये डिस्क्रिप्शन क्लियर हुआ सबको कि एक्चुअल में हम क्या पढ़ रहे थे, ये दर्शन, ठीक है? कितने पुरुषार्थ बताए गए, कितने पुरुषार्थ बताए गए, पुरुषार्थ कितने बताए गए, 4। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। धर्म पर, अर्थ पर, काम पर शास्त्र लिखे जा चुके थे, धर्म सूत्र लिखा गया था धर्म पर, काम पे काम सूत्र लिखा गया था, है ना, और अर्थ पे आप अर्थशास्त्र वगैरह भी देखते हो, और भी चीजें थी, है ना। आगे चल करके जब हम लोग मोक्ष के देखेंगे तो उसमें आपका 6 दर्शन हमको देखने को मिलता है। ऋषि मुनि याद हो गए, ठीक है। सांख्य दर्शन के कौन है प्रतिपादक, कपिल मुनि। न्याय के कौन है, गौतम ऋषि, ठीक है। और योग के कौन है, पतंजलि। वैशेषिक के कौन है, महर्षि कणाद। और मीमांसा के कौन है आपके, तो 2 अलग अलग लोग है, जैमिनी और बादरायण, ठीक है। देखो योग जो इसमें होता है, अब ये तो याद करना इतना सफिशियंट है, हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दें जिससे आपको याद हो जाए, है ना, क्योंकि आप पढ़ोगे बुक फिर बहुत टाइम लगेगा, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। हम शॉर्ट में समझा देते हैं, 5 मिनट में चीजों को क्लियर कर देते हैं, ध्यान से सुनना। मोक्ष की प्राप्ति के लिए था, तो इस समय जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, बाकी के दर्शन का क्या अर्थ होता है, हाँ वही डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वही दे दें। तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे योग है, तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि भाई अगर आपको मोक्ष प्राप्त करनी है तो आप क्या करिए, योग करिए। योग एक्चुअल में क्या था, इंद्रियों को अपने काबू में करना था। इंद्री जो होती है, हमारे सारे भटकाव इंद्रियों से होते हैं। तो उनका मानना था कि अगर हम योग करते हैं तो शरीर की विभिन्न मुद्राएं होती हैं। आप जानते हो कि अगर कोई योग करता है तो उसमें हाथ पैर और पूरा शरीर का मतलब परिचालन करना पड़ता है, उसकी अलग अलग मुद्राएं हैं जिससे शरीर स्वस्थ होता है। तो 2 तरीके से इन्होंने बताया इसको, एक प्राणायाम बताया है और एक इन्होंने आसन बताया। देखो दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट, हम लोग एक ही चीज समझते हैं। योग में 2 चीजें होती हैं, एक आसन होता है और एक प्राणायाम होता है। श्वास से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो प्राणायाम कहलाती हैं। जैसे मान लो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, है ना, अनुलोम विलोम हो गया, तो हम एक नाक से जैसे इधर से हम सांस लेते हैं फिर दूसरे से छोड़ते हैं। तो जो श्वास प्रक्रिया के जितने भी योग थे वो सब प्राणायाम कहलाते हैं। बाकी शरीर की जो मुद्राएं हैं, जैसे हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और बाकी हाथ पैर कर रहे हैं, है ना, गरुड़ आसन कर रहे हैं, तो ये सब आसन कहलाते थे। तो अगर कोई व्यक्ति इनको सही तरीके से करता है तो उसका मन केंद्रित हो जाएगा, यानी एकाग्रचित हो जाएगा, उसको भटकाव नहीं होगा, तो इस वजह से वो क्या होगा कि अपने मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, ये पतंजलि जी का मानना है। देखो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, हम लोग देखते हैं, अब देख रहे हैं तो आसपास हम लोग रंग बिरंगा देख रहे हैं, सुंदर स्त्री देख रहे हैं, तो हमको और आंखों में मतलब उस तरह से लग रहा है, वाह
ये है, तब तक दूसरी निकल गई, उसको छोड़ के दूसरे को देख रहे हैं। तो अब ये जो चीजें था माइंड में, ये सब यही था, इसी को इंद्रिय को काबू में करना था। कि मतलब जब आप देखते हो ना, एक प्रकार से समझ लो, जब ध्यान लगाते हो आप तो क्या करते हो, आंखें बंद, ठीक, मुंह बंद, क्लियर, और कई सारे ऐसे होते हैं जिसमें कान भी बंद किए जाते हैं। तो इसका मतलब भी यही था कि आंखों से आपकी जो एनर्जी लॉस हो रही है उसको खत्म करना, बोलने से एनर्जी खर्च होती है उसको खत्म करना, और इससे पूरा मन एकाग्रचित किया जाता था अपने पूरे शरीर के अंदर, माइंड में आपका एकाग्रचित करते थे, माथे पे यहाँ पर बीच में, तो इस पॉइंट पर हम लोग एकाग्रचित किया करते हैं। तो ये चीजें बताई थी उन्होंने, तो इससे होता था। तो ये था आपका योग, ठीक है। तो मुक्ति का एक प्राप्ति साधन, और उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को ये अपने जीवन में करना चाहिए, बहुत ज्यादा ना कर सके तो थोड़ा बहुत पर डे करे, ठीक है। तो ये उन्होंने, महर्षि पतंजलि जी ने इसको डिफाइन किया। जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन एक्चुअल में भौतिकवादी है। भौतिकवादी का मतलब होता है इस पे संख्या या गिनती पर ज्यादा जोर दिया गया है, सांख्य से मतलब ही गिनती होता है। तो ये लोग क्या है, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। मतलब सांख्य दर्शन क्या करता है कि ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता। तो सांख्य दर्शन को जब प्रतिपादित किया गया तो इन्होंने कहा कि जो भी चीजें बनी है वो सब प्रकृतिवादी है, प्रकृति ने बनाया है, जो हमें सामने दिख रहा है इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। तो ये लोग भगवान को नहीं मानते, मतलब सांख्य दर्शन में भगवान पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया गया, केवल प्रकृतिवादी बनाया गया। मतलब आप इन चीजों को ध्यान रखिए कि सब चीज यहाँ से बनी हुई है, हमें इन्हीं को ध्यान रखना है, इसी के हिसाब से चलना है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, ये सब चीजें थी। बाद में जाकर के अध्यात्म जुड़ गया था इसमें, लेकिन शुरुआत में सांख्य दर्शन में आपका केवल क्या था, ओनली प्रकृतिवादी चीजें थी। तो ये सेम मेन पॉइंट है, चाहो तो लिख लेना कि सांख्य दर्शन में मेनली प्रकृति को माना गया है, ठीक है, इसमें अध्यात्म पे ज्यादा जोर नहीं दिया गया था, ठीक है। न्याय जो था, न्याय वाला, न्याय क्या करता था, ये तर्क पे काम करता था। मतलब अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करनी है या ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो केवल सुन, बस सुन मत लो। मतलब कोई कथन लिखा हुआ है, जैसे रीजनिंग में होता है तर्क, और मतलब एक कथन दिया गया है, तर्क दिए गए हैं, अब आपसे पूछता है कि बताइए कौन सा तर्क सही है इसका। तो अब किसी के कथन पे आप विश्वास न करिए, आप उसको विश्लेषण करिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए, तर्क निकालिए और फिर ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। तो ये इस तरह से चीजें हुआ करती थी उस समय। तो ये न्याय में बताया गया, न्याय दर्शन जो आया इसमें ज्यादा जो तर्कों पर दिया गया। जैसे अब हमने आपसे कहा कि पहाड़ में आग है, अब हमने एक कथन आपको दिया कि पहाड़ में आग है, ठीक है, और पहाड़ में आग है, फिर नीचे लिख दिया हमने कि क्योंकि वहां धुआं है। न्याय सुनना, न्याय दर्शन की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा पहाड़ में आग है और क्योंकि वहां धुआं है। नींद आ रही है पूजा, सो के ही उठे हो। तो अब जैसे हमने बोला कि हमने कहा पहाड़ में आग है, तो ये कथन था, फिर हमने उसी में बता दिया कि क्योंकि वहां धुआं है। अब क्या तर्क, क्या निष्कर्ष निकाला गया इसका, भाई अब आपने एक चीज समझा कि पहाड़ में आग है क्योंकि वहां धुआं है, तो अब आपका तर्क, आपका निष्कर्ष क्या हो सकता है, जल्दी बताओ, जरा जल्दी से कोई एक लाइन लिखो, सभी जरा अपना दिमाग लगाओ, देखिए कहाँ तक दिमाग लगता है। हमने कहा पहाड़ में आग है क्योंकि वहां धुआं है, क्या निष्कर्ष है, एनीवन? लिखो भाई, आंसर दो, कुछ भी तो लिखो। पहाड़ में आग है क्योंकि वहां धुआं है, अपनी तरफ से जो समझ में आता है वो निष्कर्ष निकालो। पहाड़ से धुआं निकल रहा है, वेरी गुड, ठीक है। जहां धुआं होता है वहां आग होती है, सत्यजीत कीर्ति, पता नहीं सर, तो धुआं से कैसे पहचान लेंगे कि आग लगी है, हो सकता है खाना कोई बना रहा हो, अच्छा पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, तो पॉसिबिलिटी तर्क में वही निकाला जाता है, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम कैसे बातचीत, तो इसी को तो पहचानना है। देखो इसका एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, मतलब कि अगर देखा हमने कि पहाड़ में आग है और क्योंकि वहां धुआं है, तो उन्होंने एक रीजन दिया कि क्योंकि वहां धुआं है, तो निष्कर्ष निकाला कि जहां जहां धुआं होगा वहां आग जरूर रही होगी।
मतलब अगर हमें धुआं दिख रहा है तो हम एक अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ आग रही होगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि पहाड़ में आग है और क्योंकि वहां धुआं है तो रीजन उन्होंने दिया। तो उन्होंने एक अंदाजा लगाया या एक तर्क अपना विकसित किया कि जरूर अगर कहीं ना कहीं आग लगी होगी, अरे कहीं अगर धुआं हमें दिख रहा है तो जरूर वहां कहीं आग रही होगी। तो ये एक इस तरह की चीजें निकाली जाती थी न्याय दर्शन में। तो कुछ तुरंत विश्वास नहीं होता था, मतलब अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो चीजों को समझ के उसका आपको विश्लेषण करना होता था। तो ये न्याय दर्शन था जिसके प्रतिपादक आपके गौतम ऋषि थे, ठीक है। तो गौतम ऋषि इस चीज पे ज्यादा फोकस करते थे। सांख्य पर, प्रकृतिवादी नियमों पर कौन करते थे? कपिल मुनि करते थे। योग से रिलेटेड जो था वो आपके पतंजलि जी करते थे। आगे बढ़ते हैं वैशेषिक। देखो वैशेषिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वैशेषिक आज का भौतिक विज्ञान है। आज जो हम लोग भौतिक विज्ञान में न्यूटन, आइंस्टीन और पता नहीं किसको किसको पढ़ रहे हैं, ये वैदिक काल में महर्षि कणाद ने बता दिया है। सोच के देखो, मतलब आज से कितने वर्ष पूर्व महर्षि कणाद ने इस चीज को डिफाइन कर दिया था। परमाणु की सबसे पहली व्याख्या महर्षि कणाद ने ही वैशेषिक में की है। तो जो वैशेषिक है दर्शन, इसमें ही सबसे पहले परमाणु की व्याख्या की जा चुकी है महर्षि कणाद के द्वारा। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा बना हुआ है संसार सृष्टि जो भी है, ये सूक्ष्मतम कणों से बना हुआ है। वही जो सूक्ष्मतम कण है आज आपके परमाणु कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन उनको मान्यता लोग नहीं देते, पश्चिम सभ्यता के जो लोग हैं वो इसको मान्यता नहीं देते हैं, ठीक है। अब हम लोग आज की डेट में आइंस्टीन इन लोग को पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग सब भूलते गए, दर्शन से हमें कोई मतलब ही नहीं था। सोचिए कि कितने वर्ष पूर्व ये चीज डिफाइन की जा चुकी थी, ठीक है। तो वैशेषिक में मेन जोर जो दिया गया वो पांच तत्वों पे दिया गया। जैसे अगर आप कहें कि हमारा शरीर किन तत्वों से बना है, तो आप कहेंगे सर जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। सुने होना ये कि शरीर कितने तत्वों से मिलके बना है, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। पांच तत्वों से मिलके बना है जो बताया जाता है। तो उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। शक्तिमान देखे होगे तो पता होगा है, पांच तत्वों में शक्तिमान याद आ रहा है। तो पांच तत्वों पे उनका अधिकार होता था शक्तिमान का। तो वैशेषिक में इसी की डेफिनेशन की गई है, ठीक है ना। महर्षि कणाद ने इसी चीज के बारे में बताया कि हर चीज जो है सूक्ष्म कणों से ही मिलकर बना है। ये कोई बहुत ईश्वर से इससे कोई रिलेटेड नहीं है, सब कुछ यही विद्यमान है और इन्हीं तत्वों से ही बना है। कुछ भी बात कर लो, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, वो सभी के सभी इन पांच तत्वों से ही बने हुए हैं। तो ये चीजें डिफाइन की गई थी वैशेषिक, महर्षि कणाद ने इसको बताया, ठीक है। तो ये चीज पहले था, ध्यान रखिएगा महर्षि कणाद का नाम। परमाणु का जो डिस्क्रिप्शन है वो पहले इनमें दिया जा चुका है। फिर आता है आपका मीमांसा वगैरह। तो मीमांसा के लिए आपका जो है, ये जो हमारे हैं कौन, दो महर्षि अलग अलग हैं, एक जो आपके जैमिनी बोले जाते हैं और वादरायन बोले जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने एक ब्रह्मसूत्र का डिस्क्रिप्शन दिया था, ब्रह्मसूत्र वादरायन लिख लेना। वादरायन ने ब्रह्मसूत्र रचना की थी, ब्रह्मसूत्र दिया था वादरायन ने, ब्रह्मसूत्र दिया था, ठीक है। तो ब्रह्मसूत्र दिया था इन्होंने वादरायन ने, वादरायन ऋषि ने ब्रह्मसूत्र दिया था। तो ब्रह्मसूत्र में क्या बताया गया कि ब्रह्मसूत्र में एक्चुअल में ब्रह्म की बात की गई है। तो असल में ये आत्मा और ब्रह्म को शाश्वत मानते थे। मतलब जैसे पीछे देखोगे तो सब लोग भौतिक चीजों पर मान रहे हैं, मतलब ईश्वर की सत्ता को नहीं मान रहे। सब लोग क्या कर रहे हैं कि प्रकृति को मान रहे हैं, यहाँ यहीं पर जो तत्व है जल पृथ्वी इसी को मान रहे हैं। लेकिन जो मीमांसा है इसमें इन लोगों ने ब्रह्म और आत्मा को माना है, ब्रह्म और आत्मा की सत्ता को माना। इन्होंने कहा कि सब नश्वर है लेकिन ब्रह्म और आत्मा नश्वर नहीं है, ठीक है। तो दोनों को इन लोगों ने कहा कि अगर किसी को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, एक प्रकार से वो अपने आत्मा को जान लेता है और वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा, ठीक है ये चीज। तो इन लोगों ने थोड़ा बहुत ईश्वर के उस पर विश्वास दिखाया है, मीमांसा वगैरह में डिस्क्रिप्शन हुआ है, ठीक है। तो ऐसी चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये असल में ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं लोग दर्शन शास्त्र जो लेते हैं, तो दर्शन शास्त्र में ये पूरा सब्जेक्ट है, तो पूरा 3 साल पढ़ा जाता है इसको। आगे भी चल करके लोग इस पर रिसर्च करते हैं, लेकिन हम लोग को जाना नहीं है उसमें। सीधा सा आपको ये दर्शन जो है, 6 दर्शन, इनके महर्षि और थोड़ा बहुत जो डिस्क्रिप्शन दिया उतना सफिशियंट है। ज्यादा फोकस आप महर्षि नाम पर याद रखना, ठीक है, क्योंकि आपके लिए डिस्क्रिप्शन बहुत कम ही आएगा, वो सब स्टेट एग्जाम का पार्ट होता है। तो आप लोग सिंपल सा बस नाम जरूर रट लेना, भूलना मत बिल्कुल भी कि योग का कौन प्रतिपादक है, पतंजलि जी हैं, ठीक है। जैसे ही सांख्य का आएगा तुरंत नाम याद आ जाना चाहिए कि कपिल मुनि है, न्याय के कौन है, गौतम ऋषि है, मीमांसा में उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। तो ये सब याद हो जाएगा सभी को,
चीजें क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि दर्शन क्या थे आपके? तो चारों पुरुषार्थ क्लियर हो गए और पुरुषार्थ में जो लास्ट था मोक्ष, उसी के लिए दर्शन का गठन किया गया, दर्शन को प्रतिपादित किया गया अलग अलग ऋषियों के द्वारा। तो ये 6 दर्शन थे जो हमने आपको होमवर्क दिया था। तो आई होप कि अब ये चीज क्लियर हो गई होगी, हमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो जितना जरूरी हो वो लिखते रहा करो, है ना, क्योंकि जब लिख लोगे उसी समय तो तुरंत याद हो जाएंगी चीजें, ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग कुछ और चीज देखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो वॉइस अगर कहीं भी गड़बड़ हो तो तुरंत बता देना हमें, वॉइस अगर कहीं भी गड़बड़ हो तो उसी समय बता देना। ठीक है, वॉइस अगर कहीं गड़बड़ हो तो उसी समय बता देना। इस पेज को देखो स्टूडेंट, ठीक है, इस पेज को देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो तुरंत, सभी स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक है, सभी लोग ले लिए ना स्क्रीनशॉट? ठीक है, नोट्स जब बनाना तो इस तरह से आप इस चीजों को उसमें रख सकते हो। ठीक है, वैसे जो स्टडी मटेरियल भेजा है उसमें है ये सब। ठीक है, ये केवल समझाने के लिए हमने इस तरह से इसको लिखा है, तो नोट्स वगैरह में सब डिस्क्रिप्शन है। अब देखना इसमें, ध्यान से समझना इस चीज को, ये यहीं पर याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले जरा इसमें देखो स्टूडेंट, ऋग्वेद में जैसे ऋग्वैदिक देवता लिखे हुए हैं सबसे ऊपर, अगर देखोगे आप तो ये एक्चुअल में हम लोग देवता लोगों की बात कर रहे हैं, जो उस समय के देवता हैं, कि ऋग्वेद काल में या ऋग्वेद में किन देवताओं का ज्यादातर हमने वर्णन किया हुआ है। ठीक है, अब सबसे ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, ये वाली लाइन, पूर्व वैदिक का आर्यो का धर्म प्रमुखता क्या था। देखो यहाँ पे धर्म का मतलब समझ लेना तुरंत, ये कोई हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म या इससे रिलेटेड नहीं था, आपने ध्यान से समझा इस चीज को। आर्य लोग धर्म को क्या मानते थे, एक जनरल सेंस मानते थे कि प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ करना ही धर्म है, ये उस समय की चीजें थी। तो वो लोग कहते थे कि जो भी प्रकृति में जो भी है हमको उसको सुरक्षित रखना है, क्योंकि वो हमारे काम की चीजें हैं, वो हमें हेल्प करती हैं, तो प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ अनुष्ठान करना ही इन लोगों का मुख्य धर्म था, जो सामाजिक नियमों के अंतर्गत आता था, तो यही धर्म था उस समय। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? ओके, अगर वॉइस जाए तो उसी समय मैसेज कर देना तुरंत। ठीक है, क्योंकि इस समय हाथ में है नहीं। तो अब इसमें क्या हमने किया कि जैसे हमने कहा कि ऋग्वैदिक काल में जो लोगों का मुख्य धर्म था वो क्या था, तो उनका जो मुख्य धर्म था वो एक्चुअल में प्रकृति पूजा और यज्ञ। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें उन्होंने भक्ति भी दे रखा था, तो भक्ति वाला पॉइंट नहीं होता इसमें, सीधा होता है कि प्रकृति पूजा और यज्ञ मेन था इनका। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखिए, ऋग्वेद में ही एक डिस्क्रिप्शन है ऋषभ देव का, जो ये वाला पॉइंट है, दूसरा वाला पॉइंट ऋषभ देव वाला, ये वाला पॉइंट नीचे जो उसके लिखा हुआ है, ऋषभ देव जैन तीर्थंकर, तो ऋषभ देव जी का वर्णन है जैन तीर्थंकर का, ये ऋग्वेद में मिलता है। ये जैन तीर्थंकर पहले तीर्थंकर है जैन धर्म के, ये हम लोग आगे चल के देखेंगे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर है। ठीक है, तो इनका भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिलता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्या है आपका, भोगजपुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, कौन सा ऐसा अभिलेख है या कौन सी ऐसी जगह है जहां से हमें देवताओं या देवी के साक्ष्य मिले, या फिर वो ऐसा कह सकता है कि भोगजपुई किस लिए प्रसिद्ध है या एशिया माइनर जो नाम है। तो भोगजपुई एक अभिलेख है, भोगजपुई ये जगह का नाम है जो मध्य एशिया उधर पड़ता है, एशिया माइनर जगह बोली जाती है। इसमें 4 देवताओं और देवियों के मतलब भी वर्णन है, तो देवता जो मुख्य मुख्य हैं इसको याद कर लीजिए, इंद्र वरुण मित्र और नासत्य, इंद्र वरुण मित्र और नासत्य 4 देवताओं का वर्णन है इसमें, और 1400 ईसा पूर्व। अब क्योंकि 1400 ईसा पूर्व है, जबकि वैदिक काल आपका 1500 ईसा पूर्व से शुरू हो जाता है,
इसलिए माना जाता है कि ये वैदिक काल के बारे में ही बता रहा था अभिलेख। तो यहां तक क्लियर? कोई वॉइस में कोई दिक्कत? ठीक है, कोई एक लोग मैसेज कर दिया करो तुरंत। ठीक है, तो यहां से चीजें क्लियर हो गई। अब जो ब्रैकेट में लिखा है देवता, देखो देवता जो लिखा हुआ है इसको समझना जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर बनेंगे, ये ध्यान रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव पेपर बनता है, हम यही याद करा दे रहे हैं, आप लोग तुरंत याद कर लेना। ऋग्वैदिक जो देवता है इसे पूछा जाता है सबसे प्रमुख देवता कौन थे जो ऋग्वैदिक काल के थे। सबसे पहले देवता जो सबसे इंपॉर्टेंट वो इंद्र है, याद कर लीजिए, इंद्र, भगवान इंद्र को बहुत सम्मान प्राप्त था ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक काल में, ये प्रमुख देवता है उनके। इनके लिए 250 श्लोक दिए गए हैं, 250 श्लोक इंद्र को 250 श्लोक समर्पित है। तो ये ध्यान रखना है, जहां जहां ये शब्द आएगा कि 250 श्लोक 200 श्लोक ये सब याद करना है। तो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है? हमारे इंद्र हैं। कितने श्लोक समर्पित हैं? 250 श्लोक समर्पित है। अच्छा, ये इनकी पूजा करते थे जब इंद्र की, तो ये किस लिए मानते थे? तो एक्चुअल में इनको ये वर्षा के देवता मानते थे, बारिश का देवता, कि मतलब जो बारिश होती है, बारिश वगैरह, तो ये इन्हीं की वजह से होती है, तो इसलिए बहुत प्रमुख थे कि जब बारिश नहीं होती थी तो क्या करते थे कि जब वो बारिश नहीं होती थी तो इनकी पूजा की जाती थी। क्लियर है? वॉइस कट गई? वॉइस तो हमें लगता है चल रही है। ठीक है, तो यहां से हमने देखा इसमें कि जो इंद्र हैं वो आपके वर्षा के देवता माने जाते हैं, युद्ध के देवता माने जाते हैं। देखो जो बोल रहे हैं ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन है सब ऑब्जेक्टिव। युद्ध के देवता किसको बोला गया है, वर्षा का देवता किसको बोला गया है, आंधी तूफान या झंझावत का देवता किसको बोला गया है, तो ये सब इंद्र को माना गया। सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र है। ठीक है, कितने श्लोक समर्पित है? 250 श्लोक समर्पित है। दूसरे देवता अग्निदेव है, दूसरे देवता अग्निदेव है। तो इंद्र के बाद जो सम्मान मिला है वो अग्निदेव को मिला है। अग्निदेव को 200 श्लोक समर्पित है, मतलब 250 श्लोक आपके इंद्र को समर्पित हैं और 200 श्लोक आपके अग्निदेव को समर्पित। ठीक है, अग्निदेव की क्यों पूजा ये लोग करते थे? एक्चुअल में ये लोग क्या करते थे कि जैसे यज्ञ वगैरह करते थे, तो अग्निदेव को जब समर्पित करते थे, तो अग्निदेव को जब समर्पित करते थे तो इनको ये लगता था कि हम जो चीजें अग्निदेव को देंगे ये सीधे भगवान तक पहुंचेंगे, मतलब ईश्वर तक पहुंचेंगे। तो इसलिए यज्ञ किया जाता था, उसमें आहुति दी जाती थी, तो उसमें घी वगैरह और पवित्र जो चीजें होती थी उसकी आहुति दी जाती थी, जिससे वो सीधा ईश्वर तक पहुंचता था। तो ये एक माध्यम थे, मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनुष्यों और ईश्वर के बीच माध्यम का काम कौन करता था? तो अग्निदेव करते थे, ये इनका मानना था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, अगला चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है वरुण। तो ये वरुण देव है। वरुण देव को ये लोग क्या करते थे कि ये समुद्र के देवता मानते थे, माने पानी के, जल के देवता माना जाता था इनको, समुद्र के देवता या समुद्र वगैरह जो है इस पर इनका नियंत्रण है, वरुण देव का, ये ऐसा मानते थे। ऋतु नियामक का मतलब होता है जो ऋतुओं का परिवर्तन चल रहा है, ठीक है ना, और जो प्राकृतिक नियम है ये जो चेंज हो रहे हैं ये सब चीजें इनको माना जाता है। तो ऋतु का नियामक है ना, ऋतु वगैरह जो आज देख रहे हो, सर्दी वर्षा ये सब जो चल रहा है, तो असल में ऋतु नियामक का मतलब यहाँ पर एक्चुअल में था कि प्रकृति का जो नियम है, जो नियम वगैरह है वो इनके कंट्रोल में है, ये माना जाता था। ऋतु का मतलब था प्रकृति के नियम। ठीक है, और इनका एक नाम है ऋतस्य गोपा, याद रखिएगा, नीचे लिखा है हमने ऋतस्य गोपा, किनको कहा गया है? वरुण देव को कहा गया है। सातवें मंडल में इनका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वरुण का ऋग्वेद के। तो ये चीज था। आगे देखिए सोमदेव, सोमदेव ये भी एक इंपॉर्टेंट देवता थे उस समय, पौधों के देवता बोला जाता है, पौधों के देवता। तो सोम जो थे वो आपके पौधों के देवता बोले जाते हैं, या औषधियों का देवता, और औषधियों को देवता या पौधों के देवता, और इनका ये नाम पर एक सोमरस बनाया गया जो उस समय लोग ग्रहण करते थे, और नवे मंडल में इनका डिस्क्रिप्शन है, तो ये सब लिखा है हमने इसमें। ठीक है, अगले हैं मरुत देव। मरुत जो थे वो पवन के देवता माने जाते थे। सूर्य जो है, सूर्य भी बहुत प्रमुख देवों में से एक थे, जो क्योंकि इन्हें को गायत्री मंत्र समर्पित है, थर्ड मंडल में जो आपको डिस्क्राइब किया गया है, विश्वामित्र जी ने किया है। तो आपको देखो दो तो बहुत याद रखने हैं, एक इंद्र और वरुण, इनका तो याद ही कर लेना। इंद्र जो है, इंद्र और अग्नि, ठीक है, तो 250 श्लोक समर्पित है, और अग्निदेव को आपको 200 श्लोक समर्पित है।
तो इंद्र का नाम बार बार आएगा। पुरंदर किसे कहा गया है, ठीक है, युद्ध का देवता किसे कहा गया है, वर्षा का देवता किसे कहा गया है, ठीक है, झंझावात का देवता किसे कहा गया, यानी आंधी तूफान का देवता, तो इंद्र को कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट के बैठ जाना बिल्कुल। 250 श्लोक समर्पित है। फिर दूसरे नंबर पे अग्निदेव है, 200 श्लोक समर्पित है। मनुष्य और ईश्वर के बीच कौन माध्यम काम करता था, अग्निदेव करते थे। जो आहुति इनको दी जाती थी वो सीधे ईश्वर तक पहुंचती थी, ऐसा इनको मानना था, ठीक है। अच्छा, अब आगे नीचे अगर देखोगे तो मैं लिखा हुआ है इसमें ये वाला पॉइंट, इसको देखो। प्रार्थना और बलिदान देवताओं की पूजा करने का प्रमुख तरीका था, मतलब उनके प्रशंसा करते थे, मंत्र वगैरह पढ़ते थे, और वही यज्ञ में जो बलिदान वगैरह आहुति दी जाती थी वो करते थे लोग। इनका मेन मकसद था बच्चों की कामना। देखो बताया ना हमने कि इस समय उत्तम संतान की उत्पत्ति ही इनका मेन मकसद हुआ करता था, कि एक अच्छा स्वस्थ संतान हमें हो जो आगे बढ़ाए इन चीजों को, यही इनकी मेन कामना होती थी। पशु धन इन्हीं सब चीजों से इनको ज्यादा मतलब था, ठीक है ना। तो क्या देवता वाला क्लियर हुआ सबको, ठीक है, जल्दी से नीचे देखते हैं। नीचे वाला हेडिंग कबीलाई मुख्य और परिवार। एक्चुअल में अब हम सामाजिक चीजें देख रहे हैं कि उस समय जब ऋग्वैदिक काल था तो उस समय जो सामाजिक जीवन था वो किस प्रकार का था, या लोग कैसे रहा करते थे, या किस पार्ट में थे, राजनैतिक सामाजिक जीवन कैसा था इन लोग का। तो उसमें जो मुखिया है या परिवार है वो क्या थे। जैसे आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो घर में जो बड़े हैं वो मुखिया रहते हैं, पापा लोग, फिर या बड़े भाई हैं तो वो लोग, ये लोग मुखिया हुआ करते थे। तो उस समय क्या चीज होता था, समझिएगा ध्यान से। जो सबसे छोटी इकाई होती थी, जो कि ग्रामीण सभ्यता थी, सबसे छोटी इकाई जो होती थी उसको परिवार या कुल कहा जाता था। कुल, तो कुल सबसे छोटी इकाई थी, मतलब सबसे छोटा। जैसे हमारा एक घर है, हम लोग रहते हैं 4-5 लोग, तो इसको कुल बोलते थे या परिवार कहते थे, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई को कुल कहा जाता था, ये वाला पॉइंट। कुल के मुखिया को कुलप कहते थे। अब ये नीचे वाली लाइन देखना सभी, यहाँ ये कुल से लेकर के आप देखना इस वाली लाइन। तो कुल का मुखिया कुलप कहलाता था। जैसे हमारा एक परिवार हो गया, एक आपका हो गया, एक आपके पड़ोसी का हो गया, तो अब ये अलग अलग कुलप हो गए, मतलब अलग अलग कुल हो गए, परिवार हो गए, तो ये 3 हो गए। अब इन कुल से मिलके बनता था ग्राम। कुल से मिलके क्या बनता था, ग्राम। मतलब ये कि आज के डेट में अगर देखोगे एक गांव में तो बहुत सारे परिवार होंगे, तो वो बहुत सारे परिवार ही कुल कहलाते थे। तो कई सारे मिलकर के या परिवार मिलकर के ग्राम बनाते, ग्राम के मुखिया को कहा जाता था ग्रामड़ी। जैसे इस समय आप लोग प्रधान वगैरह बोलते हैं, तो वैसे आपका वो उस समय ग्रामड़ी कहलाता था, जो ग्राम का मुखिया होता। जब कई ग्राम मिलते थे, कई सारे गांव मिलकर के उस समय विष बनाते थे, विष, ये रहा विष। और विष का जो मुखिया होता था उसे विषपति कहते थे, विषपति। फिर जब कई सारे विष बनते थे तो विष मिल करके बनते थे जन, जन। आज के डेट में देखते नहीं हो, परिवार है, फिर गांव बनता है, फिर उसके आगे जाओगे तो ब्लॉक टाइप का बनता है, मंडल बनते हैं, जिला बनता है, फिर आगे बढ़ोगे तो राज्य बनेगा, फिर देश बनेगा, ऐसा था। तो उस समय भी ऐसी मतलब व्यवस्था थी, लेकिन नाम थोड़े थे। जैसे अगर हम लोग परिवार को बोले तो कुल कहा जाता था, उसके मुखिया को कुलप कहते थे, और कई सारे परिवारों से मिलकर ग्राम बनता था, उसके मुखिया को ग्रामड़ी कहते थे। फिर कई सारे ग्राम मिलकर के क्या बनाते थे, विष बनाते थे, विष को हम लोग क्या कहते थे, विषपति कहते थे, इसमें कई सारे गांव आते थे। फिर कई सारे विष जो मिलते थे उसको जन कहा जाता था, एक प्रकार से राज्य समझ लो, या जो बड़ा क्षेत्र होगा वो जन होता था, ठीक है। और जन का जो राजा होता था उसे राजन कहते थे। एक्चुअल में एक शब्द और आता है कि कई सारे जन मिलकर के राज्य का निर्माण करते थे, तो राज्य बड़ा था, जन के आगे राज्य आता था, तो कई सारे जन मिलकर के आपके राज्य होते थे। जैसे जिले वगैरह मिला लो तो जिला समझ लो आप जन, तो जिले मिला करके हम लोग राज्य बनाते थे, तो ऐसा कुछ था। फिर से लाइन रिपीट कर देते हैं, ध्यान समझना। सबसे छोटी इकाई कुल थी, परिवार, जिसका मुखिया कुलप था। कई सारे कुल मिलकर के ग्राम बनाते थे, जिसका मुखिया ग्रामीण था। कई सारे गांव मिलकर के आपके विष बनाते थे, जिसका मुखिया विषपति था। फिर कई सारे विष मिलकर के आपके क्या बनाते थे, जन बनाते थे, जिसका जो था वो राजन। और जन ही मिलकर के आपका राज्य या राष्ट्र बनता था। ध्यान रखिएगा, जन का उल्लेख 275 बार हुआ है ऋग्वेद में, और ये सबसे ज्यादा उल्लेख है।
तो जन का सबसे ज्यादा उल्लेख 275 बार किया गया। हाँ, जनपद का उल्लेख नहीं है, चाहे तो नोट कर लेना, ये क्वेश्चन है कि जन का तो उल्लेख है लेकिन जनपद का उल्लेख नहीं है। तो स्टूडेंट, ऋग्वेद में जनपद का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखिएगा, जन का उल्लेख है। और जन का राजा कौन होता था? राजन कहलाता था। हमारी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब नीचे देखो जरा, जन समूह लिखा हुआ है, जल्दी से इसको समझ लो, जन समूह को। इसमें आप एक तरफ देख रहे होंगे सभा, समिति, विदत और गण। सभा, समिति, विदत और गण, ठीक है, क्लियर हो गया। सभा, समिति, विदत और गण। गण उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तीन इंपॉर्टेंट है, सभा, समिति और गण। तो असल में उस समय संगठन भी था, मंत्रिपरिषद समझ लो इसको, एक प्रकार से मंत्रिपरिषद है लो, ठीक है स्टूडेंट। तो उस समय की अगर बात करें ना, तो सभा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार कुल वाला फिर से बता दीजिए। देखो बेटा, जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी वो आपकी होती थी जैसे परिवार, जैसे आपका परिवार है, आप घर में रह रहे हैं, पांच लोग रह रहे हैं, तो इसी को परिवार या कुल कहा जाता था। और इसका मुखिया कौन होगा? पापा होंगे आपके, पापा नहीं है तो बड़े भाई होंगे। तो अब उसी में उनको कुलप कहते थे, एक शब्द यूज करते थे, वो कुलप, कुलप कहते थे, ठीक है। फिर उससे आगे बढ़ करके परिवार से आगे क्या बनेगा भाई? गांव। एक गांव में भाई ग्रामीण था ना, वो मतलब नगरी जीवन तो था नहीं, ग्रामीण जीवन था, तो गांव कहा जाता था कि उससे मिलकर के गांव बनते थे। तो कई सारे परिवार आते थे एक गांव में, फिर गांव मिलकर के क्या बनते थे? आपके विश्व बनते थे। अब जैसे गांव मिलकर के क्या बनेगा? आपका ब्लॉक बनेगा, मंडल कह लो, इस तरह से चीजें बना करती थी। तो उस समय विश्व शब्द यूज होता था, फिर विश्व मिलकर के क्या बनता था? आपका जन बनता था, है ना, जैसे जिले वगैरह समझ लो एक प्रकार से। फिर जन जब मिलते थे तो आपके क्या बनते थे? राज्य बनते थे या राष्ट्र बनता था। तो ये चीजें हैं आपका। तो आगे बढ़ते हम लोग जन समूह देखते हैं। सभा और समिति, सभा उच्च लोगों का था, इसमें लिखा होगा पढ़ लेना, उच्च व्यक्ति लोगों का एक संगठन था जिसको सभा बोलते थे। वृद्ध लोग और संपन्न लोग, काफी ज्ञानी लोग इसमें रहा करते थे सभा वगैरह में। समिति जो थी वो सर्वसाधारण की थी, मतलब इसमें सामान्य लोग रहा करते थे समिति वाले में। तो सभा जो थी उच्च लोगों की थी, समिति जो निम्न थी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअल में उस समय का जो राजा नियुक्त होता था, ध्यान से सुनना बात, जो राजा नियुक्त होता था वो वंश परंपरागत हुआ करता था, मतलब वंश परंपरागत राजतंत्र था। देखिए कई जगह देखने को मिलता है गणतंत्र, कई टीचर भी बताते हैं गणतंत्र, लेकिन ध्यान रखिएगा वंश परंपरागत राजतंत्र था उस समय, ठीक है। हाँ, गणतंत्र कई बार लोग यूज क्यों कर लेते हैं? क्योंकि एक्चुअल में राजा को हटाया जा सकता था। जो समिति थी ये दूसरी वाली संगठन, समिति चुनाव करती थी आपका, इसमें भी कई लोग कहते हैं सभा करती थी, लेकिन वो भी नहीं है, समिति करती थी, ठीक है, क्योंकि लोगों के द्वारा राजा चुना जाता था। तो समिति जो थी वो सर्वसाधारण की समिति थी, मतलब जनसाधारण लोग थे उसमें वो रहते थे, तो लोगों के द्वारा चुना जाता था राजा। तो समिति मेनली चुनाव किया करती थी उनकी, ठीक है। और राजा निरंकुश ना हो जाए, मतलब अपने मनमाने ढंग से ना चले, इसलिए ये दो संस्थाएं बनाई गई थी जिससे वो उन पर नियंत्रण रखे और उनको जब चाहे तब हटा सकते थे लोग। तो वंश परंपरागत राजतंत्र तो था, राजा वगैरह नियुक्त तो होता था, लेकिन क्योंकि जनसाधारण या लोग उसको हटा सकते थे, इसलिए कई लोग इसको गणतंत्र यूज करते हैं शब्द। बट सही आंसर इसका है वंश परंपरागत राजतंत्र, ये एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कई जगह लोकतंत्र और गणतंत्र देखने को मिला है, लेकिन अगर ऑप्शन में सब आ जाए तो आप वंश परंपरागत राजतंत्र अगर ये लिखा हुआ है तो ये सही माना जाएगा, अगर नहीं है तो फिर आप गणतंत्र कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह की चीज उसमें देखने को मिलती थी, सभा और समिति। एक जो विदत है, तीसरा वाला, ये भी एक इम्पोर्टेंट संस्था थी उस समय की, विदत। और अगर क्वेश्चन पूछे सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है इसमें से, तो विदत सबसे प्राचीन है, मतलब सभा समिति और विदत में विदत सबसे प्राचीन है, ठीक है। विदत क्या करती थी? जैसे राजा युद्ध वगैरह जीत के आया करते थे, तो जो भी धार्मिक अनुष्ठान होता था या उपहार वगैरह वितरित करने होते थे, तो वो सब विदत का कार्य था, ये वाली संस्था देखा करती थी उसे। इसमें महिलाओं की भी भागीदारी थी, सभा में भी महिलाओं की भागीदारी थी। अब इसको हम कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले जो ऋग्वैदिक काल में जन समूह था या संघ था, वो कितने उसमें बटा हुआ था? तो मुख्यतः तीन था, विदत, सभा और समिति। जो उपहार, धार्मिक अनुष्ठान
इन चीजों से देखा मतलब इनकी देखरेख करती थी वो कौन सी संस्था थी, वो विदस्त थी, ठीक है। इसमें महिलाओं की भागीदारी थी। सभा और समिति किस लिए बनाए गए थे? राजा निरंकुश न हो जाए उस पर नियंत्रण के लिए बनाए गए थे। सभा क्या थी? उच्च लोगों का संघ था। समिति क्या थी? निम्न लोगों, निम्न नहीं कहेंगे, सर्वसाधारण या सामान्य लोग भी इसमें शामिल थे, ठीक है। और चुनाव का जो अधिकार था वो वैसे मेनली जो था वो समिति वगैरह को था। ऐसा तंत्र चल रहा था उस समय, वंश परंपरागत राजतंत्र का, उसमें बोलबाला था, बट जनता उन राजा को हटा सकती थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? आज हमने बात की आपसे दर्शन की, चार पुरुषार्थ की, फिर उसके बाद हमने आगे बढ़ा तो हम लोगों ने देखा देवता वगैरह जो थे, और जो हमने देखा इसमें कौन सा आपका जो समूह था। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्टूडेंट, हल्के में मत लेना। ये जितना आप देख रहे हो ना पेज, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये पूरा पूरा पेपर है रखा हुआ, ये पूरे पेपर के क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है ना। ये वही चीजें हैं, हमने जो रिटर्न लिखा है उसमें से भी निकाल के इन चीजों को बताया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको पढ़ना है। तो ये जो स्क्रीनशॉट है ये तो याद करना ही करना है, बिल्कुल रट लेना है इसको। जो स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं इसको याद कर लो बिल्कुल, इसमें से कोई भी चीज भूलनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये मेन था आपका, क्लियर हुआ सभी को? तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो एक चीज हम आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, उसको आप लोग घर पे याद करना, ठीक है। अरे जन समूह वाला एक बार फिर से क्या करते हो तुम लोग? देखो जन समूह की बात करते हैं तो तीन मेन थे उसमें जन समूह। एक पहला था सभा, एक थी समिति और एक विदत। सबसे पुरानी कौन थी? विदत थी, जिसमें महिलाओं की भागीदारी थी और लोग भी थे, जनसाधारण भी थे विदत में भी, सबसे प्राचीन है, ध्यान रखिएगा। सबसे मेन काम इनका क्या था? जब राजा वगैरह युद्ध में जीत कर आते थे या जो उपहार लाते थे तो उसका वितरण करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, ये सब विदत का काम हुआ करता था। देखो जो लिखने लायक होता है वो लिख लिया करो, ठीक है। अच्छा एक और चीज आगे हम बात करेंगे, अभी आज की क्लास में नहीं, कल की क्लास में बात करेंगे वो, कि देखो हम बहुत आराम से डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, चाहते तो हम जल्दी खत्म कर देते चीजों को, लेकिन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो तो सब पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। तो राजा कर नहीं ले सकता था, कर का मतलब किसी जबरन थोप नहीं सकता था किसी के ऊपर, मुझको आप पैसा दो ही दो। वो लोगों के ऊपर था कि वो अपनी इच्छा से उसको जो भी उपहार देना चाहे। तो हम अगर उनको, राजा को कुछ देना चाहते तो हम दे, राजा हमसे मांग नहीं सकता था कि जबरदस्ती बोल दिया कि आप हमको जाइए और 100 सोने के सिक्के ला के दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं था। जो लोग थे वो जब खुश हो जाते थे सर्वसाधारण, तो वो अपनी इच्छा से उनको राजा को समर्पित किया करते। तो यही सब चीजें होती थी, उपहार वगैरह था तो उसी का वितरण वगैरह हुआ करता, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभा और समिति जो थी, तो ये दो ऐसे संस्थाएं बनाई गई थी जो राजा निरंकुश ना हो जाए उन पर नियंत्रण रखने के लिए बनाई गई, क्योंकि वंश परंपरागत राजतंत्र चल रहा था, राजा का नियुक्ति होता था, लोग मिलकर नियुक्त कर देते थे, लेकिन उनको हटाने का अधिकार भी था, ये मेन चीजें थी। आगे चल करके हम देखेंगे कि इनका अधिकार लगभग खत्म हो जाएगा सभा और समिति का, और ये पूरी तरह से वंशानुगत हो जाएगा, मतलब राजा का पूरा अधिकार हो जाएगा और उसी का वंश चलने लगेगा, उसका उत्तराधिकारी फिर वो, और जो ये स्वेच्छा से उपहार दिया जाता था ये अधिकार बन जाएगा राजा का, मतलब ये थोप दिया जाएगा। उत्तरवैदिकाल के आगे जब चलोगे तो ये थोप दिया जाएगा कि मतलब आपको देना ही देना है, आप जितना कमाते हो उसका 1/6 या 1/8 भाग ये सब देना ही होगा। आगे चल के इसको विकृत कर दिया गया, शुरुआत में चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, मतलब ठीक तरह से सब चल रहा था ऋग्वैदिक काल के उस समय में, तो ये चीजें चल रही थी, ठीक है। और देवता वगैरह में जब हमने बात की तो अग्नि देवता और इंद्र देवता, ठीक है, ये मेन है। जब हम लोग पेज पेपर लगाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, सारे क्वेश्चन वहां लिखे मिलेंगे आपको। क्लियर है सबको पॉइंट्स? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना कोई भी? ठीक है, अच्छा एक मिनट बस। तो इतनी बातें हम लोगों ने कर ली हैं। देखो जल्दी से आप लोग, अभी लीव नहीं करना है, ये नोट्स हैं। ये ऋग्वेद में नदियों का वर्णन है, इसको आपको घर में पढ़ना है, ठीक है। ये हम शेयर कर रहे हैं, ये होमवर्क है, हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं आपको याद करने, क्योंकि इसमें नाम है वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर हम इसको डिस्क्रिप्शन देंगे आपको अच्छे से। देखिए क्या है इसमें, ये ऋग्वेद में नदियों का वर्णन है, कि इसमें पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने नदियों का वर्णन किया गया है, तो ये 21 नदियों का वर्णन किया गया है 10वें मंडल में। हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, बाकी अपने पेज को पढ़ लेना।
ऋग्वेद में दसवां जो मंडल है उसमें एक नदी सूक्त है, उसमें 21 नदियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अरे पहले पढ़ लेना फिर हम ट्रिक वगैरह बता देंगे। ठीक है, अभी एक बार सुन तो लो ध्यान से, और ये नोट्स में है, स्टडी मटेरियल में, तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, स्टडी मटेरियल में है, आप जाकर के थर्ड पेज है, आप यहाँ से इसको पढ़ना, लेकिन कल की क्लास तक आपको ये नाम याद हो जाने चाहिए। तो नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पुराना नाम और आधुनिक नाम ये आता है। तो 21 नदियों का वर्णन है, उसमें से सबसे प्रमुख नदी जो है, जो सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है, वो सिंधु नदी का उल्लेख है। ध्यान रखना स्टूडेंट, सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा किया गया है आपके ऋग्वेद में। सिंधु नदी, बार बार बोल रहे हैं, सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा किया गया। ठीक है, कौन सी नदी को पवित्र माना गया है? सरस्वती नदी को, सरस्वती नदी को पवित्र माना गया है। तो कुछ चीजें तो हम बता ही दे रहे हैं कि सिंधु नदी को माना गया है, सबसे ज्यादा वर्णन है, और सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया, जिसमें कुछ नाम है वो भी आप याद कर लेना, तीसरा पेज और चौथा पेज होगा उसमें। सरस्वती नदी को नदी तमा, मादे तमा, ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं। ठीक है, तो पवित्र नदी सरस्वती को माना गया, गंगा को पवित्र नहीं माना गया, सरस्वती नदी को माना गया। सबसे ज्यादा डिस्क्रिप्शन किसका? सिंधु नदी का। अच्छा, सात नदियों का वर्णन है सप्त सैंधव। सप्त सैंधव जो सिंध का प्रांत पड़ता है, जो पाकिस्तान वाला एरिया है, उधर से ये जो होते थे, तो सात नदियों का वर्णन है सप्त सैंधव। ठीक है, पुराने नाम है इसलिए याद करना होगा। तो नीचे जब देखोगे ना आप लोग, ये लो ये चीज, ठीक है, इसको ध्यान दो, ये जिसमें प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, यही याद करना है आपको, यही रटना है। जैसे अगर आपसे पूछना है कि सर अस्किनी प्राचीन नाम था, अरे दस नाम है तो सभी का उल्लेख, इसका याद थोड़े ना करना है, नाम जो जरूरी है बस वो याद करना है जिनका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। ठीक है, सब थोड़े याद करने होते हैं। तो इसमें वो मेन लिखे हुए हैं जो प्राचीन है और जो आधुनिक नाम आपके हैं, जो पूछे जाते हैं। जैसे आप विपाशा देखो, तो विपाशा का नाम व्यास है, ठीक है, आधुनिक नाम। परुष्णी को अब रावी कहा जाता है, वितस्ता झेलम है, कुभा काबुल है, प्रुमु खुर्रम है, सदानीरा गंडक है, ये याद करना है आपको। ठीक है, ये याद करना है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आज याद हो जाना चाहिए आपको शाम तक। कल की क्लास में हम जब डिस्क्रिप्शन देंगे तो इन चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इस पेज में आपको कुछ चीजें हमने बता दी कि नदी सूक्त में नदियों का वर्णन है, जो 21 नदियों का वर्णन है वो ऋग्वेद के दसवें मंडल में है। इसमें सप्त सैंधव नदियां, जो सात नदियां हैं, वो तो वर्णन है ही। यहाँ पे सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, सबसे ज्यादा वर्णन सिंधु नदी का है। यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है, जबकि गंगा नदी का केवल 1 बार उल्लेख है। क्लियर है? इसमें काब अफगानिस्तान की 4 नदियों का वर्णन है, वो आगे इसके नेक्स्ट पेज में है। अफगानिस्तान के 4 नदियों का वर्णन है, ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखना, कुभा, क्रोमू, गोमती, सुवास्तु, ये 4 नदियां जो है वो। आपका मेन काम है स्टूडेंट इसके आधुनिक नाम, हम फिर से बता रहे हैं, आपका होमवर्क है इसके आधुनिक नाम याद करना। ठीक है, ध्यान समझ लीजिएगा, इसका आधुनिक नाम आप आज याद कर लेंगे। ठीक है, हमारी बात क्लियर हुई सबको? तो आपका होमवर्क रहेगा जो प्राचीन नाम दिए गए हैं और आधुनिक नाम, ये क्वेश्चन है। आप जब टेस्ट पेपर शुरू करोगे तो पहला ही क्वेश्चन है प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, पहला ही क्वेश्चन है जिसमें करीब 10 से 12 नदियों के नाम लिखे गए हैं और आपको मैचिंग करनी है प्राचीन नाम को आधुनिक नाम से। एकदम टिप्स पे रख लेना, जैसे कुछ है कि विपाशा किसका नाम था, ठीक है, वितस्ता कौन है, अस्किनी कौन है, सदानीरा किसको बोला गया है, शुतुद्री किसका नाम है, तो आज रट जाएगा सबको ये नाम। देखो जितना बोलते जा रहे हो याद करते जाओ, भूलेगा ही नहीं कभी। ठीक है, तो आज के लिए खत्म करते हैं, बस इतना ही रखते हैं। तो जितनी चीजें कल बताई गई आज बताई गई, इसको याद कर लीजिएगा सभी लोग। ओके एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खाना खाते रहिए, योग करते रहिए, दर्शन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, इंद्रियों को काबू में रखिए। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू।